वहीं 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में राहुल गांधी ने गांधी प्रतिमा पर और नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठाए। इस बात को लेकर संवाददाता शुभ सेठ ने फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद से खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जिस तरह से विपक्ष संविधान को लेकर सदन में आवाज उठा रहा है, वही प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि संविधान कभी खतरे में नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कह रहे हैं, अब वो क्या कह रहे हैं उनकी बात को देश काफी हद तक समझ गया है कि उनकी बात में कितना बल है, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं। अब समय दूसरा बदल गया। कोई जमाना रहा कि माननीय प्रधानमंत्री मन की बात करते थे और मन की बात सुनते थे। अभी देश के करोड़ों लोगों की मन की बात चलेगी, किसी एक व्यक्ति के मन की बात नहीं चलेगी। सर, नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से देश भर में छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखेंगे? ऐसा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक स्वभाव है, चाहे वो हमारे प्रदेश की सरकार हो, माननीय योगी जी की अगुवाई में चल रही है, जहाँ पर अभी हाल ही में 60 लाख नौजवानों ने पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन किया था, बड़ी मेहनत किया था, और ऐसे तमाम गरीब बेटे हैं, बाप के बेटे हैं, कि उनको इम्तहान में जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, कर्जा लेकर के बेटे भेजे, जाओ भैया इम्तहान दो, और इम्तहान देकर आए तो पता लगा कि पर्चा लीक हो गया। तो ये तो इनकी नियत में इस देश और प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का कोई नियत नहीं है, ना इनकी कोई नीति है। तो ये तो देखा, अब वही सीधा ये नीट की जो बात कर रहे हो वह देश भर में है, तो ये तो दोनों सरकारें एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही है, ये तो मिली भगत है कि नौकरी न देना पड़े और अपने लोगों को अपने ढंग से एडजस्ट करते हैं। हाँ, इस पर तो आइए आइए, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये था हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद। सो एमकेएन न्यूज के लिए दिल्ली से शुभ सेठ।